Welcome to YouTube channel of InfoWiz Chandigarh. Here is your video. Hello friends, good morning to all of you. I'm Jagru Bhatia from InfoWiz, a software solution company. Jaisa ki hum last sweep command pe stay kiye the, to aage hum sweep se continue karte hain. To sweep command mein hamare paas kya hota hai ki aap ya to modeling tool mein sweep option pe click kar sakte ho या फिर हमारे पास शॉर्टकट होता है एस डब्ल्यू एंटर, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पहले जिसको आपने यूज़ करना है, एंटर एंड देन सेलेक्ट दी पाथ जिसके ऊपर अप्लाई करना है. तो जस्ट अ वेट, ये कुछ स्वीप कमांड पे हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाता है. तो ये आपकी स्वीप हो गई है, स्वीपिंग फाइन. या फिर लेट्स, मेरे पास एक फाइन, मैं टॉप व्यू पे गया, यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ. लेट्स, दिस इज अ लाइन. आफ्टर दैट मैं यहाँ से अगेन साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में गया, एक सर्कल लगा देता हूँ. एन रेडियस है स्वीप के लिए. अगेन एस डब्ल्यू एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया एंड देन सेलेक्ट किया पाथ को. तो ये आपकी स्वीप कमांड लग गई है. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है दैट इज कि मैं यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ. वहाँ से हमने नेक्स्ट जो कमांड है पॉलीसॉलिड सेलेक्ट करनी है. पॉली सॉलिड, आप मॉडलिंग टूल में पॉली सॉलिड कमांड उठाओगे एंड देन सबसे पहले स्पेसिफाई योर स्टार्टिंग पॉइंट. लेट्स, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. लाइन स्ट्रेट कर लेता हूँ मैं, ऑर्थोन कर लिया. ये इस पर काम नहीं करेगी, इसके लिए हमें अनदर स्क्रीन लेनी पड़ेगी. लेट्स मैं अनदर स्क्रीन लेता हूँ. यहाँ पे हम पहले इलास्टिक व्यू कर लेते हैं. सॉरी, दिस इज द इलास्टिक व्यू. आफ्टर दैट हमने मॉडलिंग टूल के अंदर यहाँ से पॉली सॉलिड कमांड लेनी है एंड देन सेलेक्ट योर फर्स्ट पॉइंट. लेट्स, ये है मेरी ऑर्थोन कर लेते हैं हम लोग. आफ्टर दैट लेट्स, दिस इज 100, this is again 100, this side it's again 100 and then clouds. अब हम जैसे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा. सिमिलर अगर आप इस पे कुछ कट वगैरह लगाना चाहते हो फॉर दैट पर्पज, सेलेक्ट मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया. इसमें कट लगाना है तो प्रेस पुल कमांड यूज करेंगे, पी आर ई डबल एस, जैसे कि मैंने लास्ट शॉर्टकट बताया था. प्रेस पुल का पी आर ई डबल एस शॉर्टकट है. एंटर करोगे आप, सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को और जितना आपने कट लगाना है, ये देखो आप दोनों साइड से कट लग गया आपका. अब नेक्स्ट किस पर, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाई थी अपने, मैं अब चाहता हूँ कि मैं इनको स्मूथ करूँ. स्मूथनेस के लिए लेट्स, मेरे पास एक रेक्टेंगल या बॉक्स है. दिस इज माय बॉक्स. आप पहले ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को एंड देन मैशिंग में स्मूथ ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ हो गया है. एजेस और उसके फेस से स्मूथनेस होगी या उसके वर्टेक्स से स्मूथनेस होगी. अगर आप इससे भी ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हो, फॉर दैट पर्पज हमारे पास मैश में स्मूथ मोर ऑब्जेक्ट ऑप्शन होती है. इसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट मैश में जस्ट वेट, मैश में स्मूथ मोर, वन टाइम स्मूथ हो गया, टू टाइम इट्स अगेन स्मूथिंग एंड थ्री टाइम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हो गया. अगर इससे ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हो नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी फाइनल पोजीशन पे वो पहुंच गया है.
अगर आप उसके बाद भी क्लिक करते हो तो वो आपको ऐसे एक ऑप्शन देता है कि इससे ज़्यादा स्मूथ नहीं हो सकता। आफ्टर डैट कि मुझे इसकी स्मूथनेस लेस करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, डेट इज स्मूथ लेस। मैश के अंदर जाओगे, मैशिंग के अंदर स्मूथ लेस ऑप्शन। फाइन, उसके लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे एंड देन आफ्टर सिलेक्शन आप अपने स्मूथलेस ऑप्शन पे जाओगे। वहां से आप उसको वापस आप सेम उसी शेप में लेके आ सकते हैं। तो गाइज, आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको आगे के लेक्चर के बारे में बताऊंगा। फॉर दैट पर्पज आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इन्फोविज की तरफ से आपके लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम टू मी। हैव अ गुड डे। Please subscribe our channel for more videos. Thank you.